स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अ सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज, चैप्टर नंबर 9, सेफ्टी फर्स्ट। इस चैप्टर को लर्न करने के लिए हम देखेंगे उसके डी वर्ड्स। हमारा फर्स्ट डी वर्ड है सेफ्टी, यानी कि ध्यान रखना। सेकंड है शार्प, SHARP, शार्प मींस नुकीला। STOVE, स्टोव मींस चूल्हा। DISTURB, डिस्टर्ब मींस खलेल पहुंचाना। एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट मींस अकस्मात। ROOF, रूफ मींस छत। मेडिसिंस, MEDICINES, मेडिसिंस मींस दवाइयां। स्विम, SWIM, स्विम मींस तैरना। केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल यानी कि ध्यान रखना। मैचबॉक्स, MATCHBOX, मैचबॉक्स यानी कि माचिस का बॉक्स। फुटपाथ, FOOTPATH, फुटपाथ मींस रास्ते पर चलने की जो लाइंस बनाई होती है वो फुटपाथ। परमिशन, PERMISSION, परमिशन मींस रजामंदी लेना। डी वर्ड्स देखने के बाद हम हमारा यूनिट स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेम्बर, सर्कल द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ। यहाँ पर हमें 4 थिंग्स दी गई है, कौन से थिंग्स के साथ आप खेल नहीं सकते उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो फर्स्ट है बैट, तो उसके साथ हम खेल सकते हैं। सेकेंड है नाइफ, तो उसके साथ हम नहीं खेल सकते, तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। थर्ड है टेडी बियर, तो उसके साथ हम खेल सकते हैं। फोर्थ है ब्लेड, उसके साथ हम नहीं खेल सकते, तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। सेफ्टी मींस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म। सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी है जो हमें किसी भी चीज से हार्म ना पहुंचे उसके लिए हमें ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसे कहते हैं सेफ्टी। वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स यानी कि अकस्मात। एक्सीडेंट्स के बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इफ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ। अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। सेफ्टी एट होम, हमें घर के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक अ नाइफ और अ ब्लेड। घर के अंदर हमें जो नाइफ होता है, चप्पू होता है और ब्लेड होता है उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। कोई भी शार्प चीजें होती है उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स स्विचेस एंड गैजेट्स। जो भी इलेक्ट्रिकल वायर स्विचेस और जो भी चीजें होती है उसके हमें छूना नहीं चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ। जो छत होती है उसके ऊपर हम पतंग जो फ्लाई करने के लिए जाते हैं, यानी कि पतंग चगाने के लिए जाते हैं, वो अकेले नहीं जाना चाहिए। यू माइट फॉल ऑफ रूफ एंड गेट हर्ट। जब आप रूफ से गिर जाओगे तब आपको बहुत हार्म पहुंचेगा। डू नॉट प्ले विथ अ मैच बॉक्स, डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव ऑन योर ओन, यू माइट बर्न योर सेल्फ। जो गैस स्टोव होता है वहां पर आपको अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए और मैच बॉक्स को भी कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वहां पर हर्ट हो सकते हो, बर्न हो सकते हो, आपको आग लग सकती है। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। आपको कभी भी किसी के पूछे बगैर कोई भी दवाइयां यानी कि मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत मेडिसिन लेने से आपको हार्म हो सकता है। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू माइट स्लिप ओवर देम। आपको फ्लोर के ऊपर कभी भी अपने टॉयज को फैलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चलते वक्त आपको वो परेशान कर सकता है, उसके ऊपर आपका पैर आने से आप स्लिप हो सकते हो और आपको लग सकता है। टाइम टू आंसर, मार्क क्रॉस व्हाट इज रॉन्ग इन द सेंसेस बिलो। यहाँ पर क्या रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो ये लड़का नाइफ से कुछ काट रहा है तो ये रॉन्ग है, और ये लड़का मेडिसिन को देख रहा है तो ये नाइफ को आप
को अकेले नहीं छूना है, तो ये पिक्चर रॉन्ग है, तो वहां पर हम करेंगे क्रॉस। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ, आपको रोड के साइड में जो फुटपाथ बना होता है उसके ऊपर ही चलना चाहिए। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फेंसिंग द ट्रैफिक, जो रोड में फुटपाथ की फैसिलिटीज नहीं होती है वहां पर आपको रोड की साइड में चलना चाहिए, वहां पर जो ट्रैफिक नहीं होता है वहां पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आपको जब रोड को क्रॉस करना होता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर प्ले ऑन रन ऑन द रोड, आपको रोड पर कभी भी रन नहीं करना चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए। ऑलवेज फॉलो अ ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लुक ऑन बोथ द साइड बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड को क्रॉस करते टाइम आपको दोनों साइड देख लेना चाहिए। यूज अ सबवे टू क्रॉस बिजी रोड्स, आपको बिजी रोड्स को क्रॉस करने के लिए सबवे को देखना चाहिए। नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, आपको जो पार्क व्हीकल होते हैं यानी कि लोगों ने जो व्हीकल को पार्क किया होता है उसके पीछे कभी भी खेलना नहीं चाहिए। सेफ्टी इन अ बस, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, जो चलती बस होती है उसकी विंडो में से आपको कभी भी अपना मुंह बाहर नहीं करना चाहिए। डू नॉट वॉक और रन इनसाइड अ मूविंग बस, और चलती बस के अंदर आपको कभी भी वॉक और रन नहीं करना चाहिए, वहां अपनी सीट पर से हिलना नहीं चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, और जो भी ड्राइवर्स होते हैं उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू अ गेट ऑफ अ मूविंग बस, जो मूविंग बस होती है वहां पर से आपको ऑफ करना यानी कि बाहर निकलना नहीं चाहिए। मेक अ क्विक टू गेट ऑन और ऑफ अ बस, आपको बस में जाते टाइम क्यू यानी कि लाइन बनाकर जाना चाहिए। सेफ्टी इन अ कार, आपको कार में क्या ध्यान रखना चाहिए। नेवर ओपन अ कार डोर व्हेन इट इज मूविंग, जब कार चल रही हो तो कभी भी उसके डोर चलती कार में नहीं खोलने चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड ऑन हेड आउट ऑफ अ कार विंडो, कार की विंडो में से कभी भी आपको हैंड यानी कि हाथ और हेड यानी कि हेड को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। सीट ऑन द बैक सीट, आपको बैक सीट के ऊपर बैठना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग, और जो भी ड्राइविंग कर रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पुट ऑन द सीट बेल्ट, और हमेशा सीट बेल्ट को लगाकर रखना चाहिए। नेवर ब्लॉक द रियर व्यू मिरर, आपको जो आपकी कार के मिरर होते हैं उसको कभी भी ब्लॉक यानी कि बंद नहीं करना चाहिए। टाइम टू आंसर, सर्कल व्हाट इज रॉन्ग इन द सीन्स बिलो, आपको दो पिक्चर दिए गए हैं उसमें रॉन्ग क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो सोफे के ऊपर ये गर्ल और बॉय अपने हाथ हिला रहे हैं और हैंडल के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो दोनों ही चीजें गलत है, तो वहां पर हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट पिक्चर में बस के पीछे ये गर्ल है वो रन कर रही है, तो ये गलत है, तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं और खेलने के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं वहां पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट स्विम अलोन, ऑलवेज गो विथ योर पेरेंट्स और अ टीचर, आपको कभी भी अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ ही जाना चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब टू स्विम, आपको स्विम करते टाइम हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल, पूल के आजू बाजू रन नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल ऑन स्विमिंग, तैरते समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट और बिहाइंड द स्विंग्स, आपको स्विंग्स के आगे और पीछे कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, और आपका जब टर्न आए उसकी राह देखनी चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स, स्विमिंग पूल के ऊपर कभी भी दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए।
जो स्विंग्स होते हैं यानी कि झूले होते हैं उसके आगे कभी खड़ा रहना नहीं चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स और दूसरों को कभी खेलते समय धक्का भी नहीं देना चाहिए। टाइम टू आंसर सर्कल व्हाट इज रॉन्ग इन द सीन बिलो। आपको ये पिक्चर में क्या गलत है वहां पर आपको स्विम सर्कल करना है। तो ये जो लड़का है ये दूसरे लड़के को धक्का दे रहा है तो इसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। अदर सेफ्टी मेजर्स हमें दूसरा क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है नेवर टेक एनी ईजेबल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर यानी कि अनजान आदमी होते हैं उसके पास से कभी भी खाने की चीजें नहीं लेनी चाहिए। नेवर स्ट्रे आउट फॉर टू लेट। कभी भी देर रात को आना जाना नहीं चाहिए। नेवर लीव योर हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के पूछे बगैर आपको कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली। दिवाली और होली के टाइम आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। प्ले इन सेफ प्लेसेस लाइक अ पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। जो पार्क्स और प्लेग्राउंड्स होते हैं वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको वहां पर से कुछ नुकसान नहीं हो। टाइम टू आंसर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर। यहाँ पर आपको पिक्चर दिए गया है उसके ऊपर से आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग। ये चाइल्ड क्या कर रहा है। बर्निंग क्रैकर्स। ये बच्चा फटाके को फोड़ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन टू हिम। उसके साथ क्या हो रहा है। ही कैन हर्ट हिमसेल्फ। जो बच्चा है उसको हर्ट हो रहा है क्योंकि वो फटाके फोड़ रहा है। यूनिट लर्न करने के बाद हम देखेंगे उसकी प्रैक्टिस। लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर ए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। आपको ये वर्ड दिए गए हैं उसका यूज करके आपको ये फीलिंग्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है क्रॉस द रोड एट अ जिब्रा क्रॉसिंग। जो रोड क्रॉस करना है वो कहां से करना है। जिब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से। सेकेंड है डू नॉट गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती बस से हमें कभी भी बाहर नहीं निकलना है। थर्ड है बी केयरफुल वाइल स्विमिंग। तैरते समय हमें बहुत केयरफुल रहना है। फोर्थ है नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड के ऊपर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। जो सही सेंटेंसेस है वहां पर करेक्ट वर्ड के ऊपर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट है बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स और रूफ। आपको सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए तो स्टेयर्स के ऊपर हम करेंगे सर्कल। क्वेश्चन नंबर टू ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ और रोड। हमें कहां पर चलना चाहिए तो के फुटपाथ के ऊपर। तो फुटपाथ के ऊपर हम सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री ऑलवेज प्ले विथ टॉयज एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें किसके साथ खेलना चाहिए। टॉयज के साथ। तो टॉयज के ऊपर हम करेंगे सर्कल। क्वेश्चन नंबर फोर कॉल एंड एडल्ट एंड चाइल्ड फॉर हेल्प इफ यू गेट हर्ट। आपको कभी भी कोई हार्म पहुंचे तो आपको किसको कॉल करना चाहिए तो के एडल्ट को हमसे बड़े लोगों को। तो एडल्ट के ऊपर हम करेंगे सर्कल। क्वेश्चन नंबर सी राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस सॉरी स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो राइट है तो वहां पर ट्रू करना है और वो रॉन्ग है तो वहां पर एफ फॉल्स करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हील। आपको कभी भी पार्क्ड व्हील के पीछे नहीं खेलना चाहिए तो ये स्टेटमेंट राइट है तो यहां पर हम करेंगे ट्रू। स्टेटमेंट नंबर टू नेवर क्रॉस द रोड थ्रू अ सबवे। सबवे के सामने कभी भी हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यहां पर हम करेंगे फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर थ्री वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स से खेलना नहीं चाहिए तो ये स्टेटमेंट राइट है तो यहां पर हम करेंगे ट्रू। स्टेटमेंट नंबर फोर डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद हमें हमारे टॉयज कभी भी फ्लोर के ऊपर नहीं रखने चाहिए तो ये स्टेटमेंट राइट है तो यहां पर हम करेंगे ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी
क्रॉस द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ, आप कौन से चीज के साथ खेल नहीं सकते उसके नीचे आपको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हम पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें ये है सीजर, तो सीजर के साथ हम खेल नहीं सकते हैं, तो उसके नीचे बॉक्स में हम करेंगे क्रॉस। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट है, विच रूल शुड यू फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या फॉलो करना है। आंसर इज दैट नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स, नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें शार्प थिंग्स से नहीं खेलना चाहिए और रोड के ऊपर भी नहीं खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई शुड यू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर को टच क्यों नहीं करना चाहिए। उसका आंसर है बिकॉज इलेक्ट्रिक वायर्स मे यू शॉक, आपको इलेक्ट्रिक वायर से शॉक लग सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप रोड पर जा रहे होते हैं तो आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में लेना चाहिए। उसका आंसर है ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई शुड यू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, आपको फ्लोर के ऊपर अपने टॉयज को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो उसका आंसर है बिकॉज यू मे स्लिप ऑन द टॉयज, आपके पैर जब टॉयज के ऊपर आएंगे तो आपको लग जाएगा, आप स्लिप हो सकते हो, तो आपको कभी भी फ्लोर के ऊपर टॉयज नहीं रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल मूविंग इन द बस, आपको जब बस में बैठे होते हो और बस चल रही होती है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसका आंसर है नेवर प्ले इन अ मूविंग बस, आपको चलती बस में कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए और कभी भी रन भी नहीं करना चाहिए। हॉर्स, फर्स्ट है, रोहित इज इन अ हरी टू रीच स्कूल, ही रन्स ऑन द रोड एंड पुशेस पीपल टू गेट इन टू द बस, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिज एक्शंस, व्हाई। जो रोहित है उसको स्कूल पहुंचने की बहुत जल्दी है, तो वो रोड के ऊपर रन कर रहा है और लोगों को बहुत धक्का दे रहा है बस तक पहुंचने के लिए, तो उसके साथ क्या गलत हो सकता है वो आपको सोचना है। सेकेंड है, यू टुक योर यंगर सिस्टर टू प्ले विथ यू, व्हाट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव हर टू बी सेफ, जो आपकी सिस्टर है वो आपके साथ खेल रही है तो उसको आप क्या समझाएंगे कि उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचे। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपने आप से सोचने हैं और उसके आंसर माइंड में रखने हैं।